तेरह अकबरी लोटा। कभी कभी पत्नी के सामने पति की अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न आ खड़ा होता है। ऐसी ही एक स्थिति का सामना करते हुए लाला झाऊलाल के जीवन में एक हास्यपूर्ण घटना घटती है। आइए हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी पढ़कर आनंद लें। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपए मासी के करीब किराया आता था। बच्चे थे नहीं, सिर्फ दो प्राणी का खर्च था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ कभी आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक 250 रुपए की मांग पेशकश की, तब उनका माथा एक बार जोर से सनसनाया और फिर जी बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने रोब से कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस जिंदगी में ही चाहिए। अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। मर्द की एक बात। जी हाँ, मर्द की एक बात। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी ही साख का था। देने का पक्का वादा करके अब ना दे सके तो वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा था तो चारों खाने चित हो गए। एक बात ये शब्द रह रहकर उनके कानों में गूंज उठते। 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। वे बोले, मेरे पास तो नहीं है, पर कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर प्रबंध हो गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। आज यही शाम थी, सप्ताह का अंतिम दिन। कल 250 रुपया गिनकर देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है? यह सच है कि रुपया ना पाकर उनकी स्त्री फांसी न दे देगी, बस जरा सा हंस देगी। उस हंसी की कल्पना से ही झाऊलाल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाता था। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए, आज शाम को ही उनके आने की बात थी। यदि रुपयों का प्रबंध न हो पाया तो? इसी उधेड़बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास लगी तो नौकर को आवाज दी। खुद उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। संयोग से यह लोटा अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल पहले का बना, पर लगता था जैसे उसका बाप डमरू हो और माँ चिलमच्ची। लाला झाऊलाल ने लोटा लिया, अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। मुश्किल से दो एक घूंट ही पी पाए होंगे कि लोटा हाथ से छूट गया। लोटा न दाएं न बाएं नीचे गली की ओर चल पड़ा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा वह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार में ऐसी चलती भीड़ भरी गली में ऊंचे 3 मंजिली से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला जब तक दौड़कर नीचे उतरे, एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नख से शीख तक भीगा हुआ है। उसके पास अपराधी लोटे को देखकर लाला फौरन सारी बात समझ गए। अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल लोटे के मालिक है तो उसने अपना मुंह खुला छोड़ दिया। लाला को आज पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोष भी है। इसी समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए। उन्होंने सबसे पहले भीड़ को बाहर किया, फिर एक कुर्सी आंगन में रखकर बोले, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से बैठ जाइए। साहब धन्यवाद करते हुए बैठ गए। फिर बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है, मेरी नजर में मुजरिम।
लाला समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को हो क्या गया है। वे मन ही मन उन्हें कोसने लगे। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस में रिपोर्ट कीजिए ताकि यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? चलिए मैं बतलाऊं। चलिए, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल चुप रहे। साहब ने हैरानी से पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपए दाम क्यों दे रहे हैं? आप इसे रद्दी कह रहे हैं? मैं तो आपको जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है? जनाब, यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। अच्छा जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर हुआ तो उसने ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और इसके बदले में सोने के 10 लोटे ब्राह्मण को दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। लोटे का सारा विवरण सुनते सुनते साहब पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे बोले, जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, मेरा हक है। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों में गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया या मेरा? आपका। इसलिए मेरा हक है, आप 50 रुपए दे रहे हैं। मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200। अजी, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाते हुए बोले, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। साहब ने झटपट लोटा उठा लिया और बोले, अब इसे अपने पड़ोसी मेजर डगलेस को दिखाऊंगा। उन्हें भी पुरानी चीजें जोड़ने का शौक है। पिछले साल वे हिंदुस्तानी से जहांगीरी अंडा ले गए थे। उनकी डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर को प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर दिखा दिया था। नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर 100 जान से निछावर हो गया। उसने इस कबूतर के अंडे को बड़े जतन से एक हांडी में रख छोड़ा। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलेस ने दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी लोटे से एक पुश्त पुराना है। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अन्नपूर्णानंद वर्मा।